बीजेपी ने एक बार फिर से चौंकाया है और ओडिशा के विधानसभा चुनाव में पहली बार स्पष्ट बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी ने अपने विधायक दल का चुनाव कर लिया है और नेता कौन होगा ये भी चुन लिया गया। पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों ने मोहन चरण मांझी को अपना नेता चुना है। अब मांझी राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार भी संभालने वाले हैं। मांझी एक आदिवासी नेता हैं और शुरुआत से ही वो बीजेपी से जुड़े रहे। उनके नाम का ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने आज किया है। हालांकि चर्चा ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण भाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परीडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमत से इन नामों की भी घोषणा की है। लेकिन दो दिन पहले केंद्र में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली उसके बाद ये तो साफ हो गया कि पार्टी ने कुछ और ही सोचकर रखा है। विधायक सुरेश पुजारी के साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल का भी नाम इस दौड़ में था, लेकिन पार्टी ने चौंकाने वाले नाम का ऐलान किया। ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बाद जीत दर्ज करने पर बीजेपी ने किया था। मोहन चरण मांझी राज्य के 15वें मुख्यमंत्री होंगे। अब तक लगातार 24 सालों तक इस कुर्सी पर बीजू जनता दल के नवीन पटनायक विराजमान रहे हैं। उन्होंने एक प्रकार से रिकॉर्ड बनाया। क्योंझर विधानसभा से चुनाव दरअसल मांझी जीते हैं। 2019 में भी क्योंझर से ही वे चुने गए थे। उससे पहले वो 2009 में इसी सीट से विधायक चुने गए थे। तो चार बार के विधायक हैं मांझी। 53 वर्ष मोहन मांझी जो हैं आदिवासी समुदाय से आते हैं और उनकी भी अपनी राजनीति की शुरुआत जो है बतौर सरपंच उन्होंने की थी। 1997 और सन 2000 तक अपने पंचायत के वे सरपंच रहे और फिर 2000 से क्योंझर से वे विधायक चुने गए और उनके नाम का ऐलान आज राजनाथ सिंह और मंत्री भूपेंद्र यादव, जो कि जिन्हें इसके लिए जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने उनके नाम का ऐलान किया। मोहन मांझी जो हैं वे ओडिशा के मुख्यमंत्री अब होने वाले हैं। आदिवासी समुदाय से आते हैं और माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने इस फैसले से आदिवासी वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश की है, क्योंकि ओडिशा से ही छत्तीसगढ़ जो है वो सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय भी तो आदिवासी वर्ग से ही आते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी तय किया कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर यहाँ भी दो डिप्टी सीएम होंगे। इनमें एक केवी सिंह देव को डिप्टी सीएम बनाया गया है तो दूसरी ओर प्रावती परिदा को भी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला कर लिया गया है। कल यानी कि 12 जून को नई सरकार का गठन ओडिशा में होने जा रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल होंगे। माना यह भी जा रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य जो हैं वहाँ के सीएम भी पहुँच सकते हैं। बताएं कि 53 साल के मोहन मांझी मजबूत आदिवासी चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं। वे क्योंझर सीट से चार बार के विधायक भी हैं। उन्होंने बीजू जनता दल यानी बीजेडी की मीना मांझी को इस चुनाव में हराया है। बीजेपी ने दरअसल 147 सदस्यों वाली ओडिशा विधानसभा में 78 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई और पहली बार सरकार बनाई है और बीजेपी ने वाकई में चौंकाने वाला काम यहां पर किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी चेहरा और नाम चल रहा, जिन नेताओं का चल रहा था आगे, उनको दरकिनार करते हुए बीजेपी ने बिल्कुल सबको चौंका दिया। वहीं मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला हुआ था और चौथी पंक्ति में बैठे डॉक्टर मोहन यादव जो हैं उनके नाम का ऐलान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, वहाँ पर भी चौंकाने वाले नाम सामने आया। तो बीजेपी अब चौंकाने का काम कर रही है, खासतौर पर राज्यों में चौंकाने वाला काम किया जा रहा है।
बीजेपी का ये क्या एक एक्सपेरिमेंट है और हर राज्य में ये बीजेपी दोहराने की कोशिश कर रही है, ये तीसरा चौथा राज्य है, तो क्या बीजेपी इसके पीछे कुछ और रणनीति बनाकर चल रही है। बहरहाल फिलहाल तो ओडिशा में कल शपथ होने वाली है और ओडिशा को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है।